निधि की दुनिया और कंचन धवन की दुनिया, ये दो दुनिया जो है, कभी कभी ऐसा लगता है ये दोनों मिलके कंटेंट बनाती है, एक दूसरे की बुराई करना, ये करना वो करना, मगर कहीं ना कहीं निधि की दुनिया का जो कंटेंट है ना, वाकई में बकवास है यार, सच में। और ऐसा लगता है सबका कहना ये है कि वो कंचन धवन का पूरा कॉपी करती है, तो व्लॉगिंग में किसका कॉपी करना है यार। हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और आज का व्लॉग चलिए शुरू करते हैं। और आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो अचानक हो जाती हैं, कभी अचानक खुशी मिल जाती है, अचानक गम मिल जाता है, अचानक बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में। तो बस वो अचानक ही कुछ हुआ है, ऐसा क्या हुआ है जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो को एंड तक देखना। गाइस सपोर्ट करो मुझे और मेरे वीडियोस को। आप फेक लोगों को सपोर्ट कर रहे हो इस समय, ऐसे लोगों को जो फेक कंटेंट दे रहे हैं, जिनका कोई कंटेंट नहीं होता, आप उन्हें सपोर्ट करते हो, ये तो गलत बात है ना। तो आप मुझे भी सपोर्ट करो, लाइक करो, क्योंकि मेरा कंटेंट फेक नहीं है, जो है ओरिजिनल है और क्लियर है, साफ है, सामने है, ठीक है। मैं हूँ, बिट्टू है, ब्रूनो है और फैमिली है। और धीरे धीरे मैं लाऊंगी, हालांकि ब्लॉग बनाने में अभी इतनी पारंगत नहीं हुई हूँ मैं तो, लेकिन हाँ ये है कि कंटेंट अच्छा है। अभी कुछ दिन में कंटेंट आने वाला है ट्रैवल का, जो हमने यात्राएं की थी, ज्वाला देवी हम गए थे, हिमाचल गए थे, फिर शिरडी में गई थी, तो मैं वो सारा कंटेंट भी जल्दी लाऊंगी। सो आप मेरे साथ बनी रहिए, चलिए जानते हैं क्या हुआ है आज। तो गाइज ब्रूनो हमारा यहाँ पे लेटा हुआ है, गीला हो चुका है क्योंकि बारिश हो रही थी, कपड़े सारे उठा के बिट्टू ने देखो पैसा कुर्सी पर फेंके हुए हैं, पर्दा हमारी धो के रखी है, पर्दा यहाँ लगानी है हमको, पर्दे का पाइप यहाँ साइड में पड़ा हुआ है कहीं, क्योंकि ब्रूनो डरता है, इसे छुपाया गया है। बिट्टू बैठी हुई है, कितनी देर से कह रही हूँ इसे नहा लो नहा लो, जाओ यार नहा लो ना, अभी जाऊंगी ना, मंदिर चलना है थोड़ी देर में, बज गए यार 7:30 बज रहे हैं यार बिट्टू, फिर बारिश होने ना लगे। 7 बजने वाले, हाँ 7 बज रहे हैं, जाओ जल्दी नहाओ जाके, बात ही नहीं सुनती है मेरी बिल्कुल ही, देखो नाखून कैसे खा रही है। आज इसकी छुट्टी थी तो मैंने इसको बोला कि चल यार हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, ऊपर से आज हनुमान जयंती भी है, जाओ बेटू जाओ, 10 मिनट नहीं, जाओ जल्दी जाओ, 10 मिनट रुक नहीं जाओ, नहीं 5 मिनट में नहा के आ जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, तुम बहुत घंटे तक घुसी रहती हो नहाने के लिए, जाओ जल्दी नहा लो जल्दी। तो गाइज आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है हद से ज़्यादा, और अभी लाइट आई है, और एसी को थोड़ा कम करना, कूलिंग कम करना, बहुत गर्मी लग रही है। ब्रूनो जो है छुपके ये देखो लेटे हुए हैं यहाँ पे, और क्योंकि मैं रात को आकाशवाणी में ड्यूटी पर थी, तो मैं सुबह जब आई तो कपड़े इधर उधर रख पड़े हुए हैं, और आज क्योंकि पूरा दिन मेरा सोने में ही गया है, अभी जस्ट मैं उठ गई थी, नहा तो मैं दोपहर में ली थी, दोपहर में उठ के नहा भी ली, और फिर मैं दोपहर में 12 बजे उठ के नहा ली थी, क्योंकि ना बिट्टू आज ब्रूनो को घुमा के लेके जब आई ना 12 बजे, तो उसने मुझसे कहा कि ना बाहर भंडारा हो रहा है, तो फिर मैंने इसको बोला कि चलो यार भंडारे का खाना खाएंगे, क्योंकि अब 12 बजे तक ना सोते सोते भूख भी लगने लगी थी, तो फिर मैं नहाई, पूजा की, पहले मैंने सोचा था कि मंदिर वहीं से हम भंडारा खाने से पहले मंदिर होके आएंगे, मगर धूप बहुत तेज़ थी, तो फिर हमने कहा कि, और बिट्टू नहाई भी नहीं थी तब तक, तो इसने कहा कि नहीं पहले खाएंगे फिर शाम को चलते हैं मौसम ठीक होने के बाद, तो फिर वही हुआ कि हमने भंडारा का सामान खाना वहाँ से लिया, जिसमें कि पूड़ी थी, सब्जी थी, और आज बूंदी भी थी, और रायता भी था, रायता कह लीजिए या क्या कहेंगे उसको, छाछ कह लीजिए, उसमें बूंदी डली हुई थी, तो ये सारा ले लेके चार चार पूड़ी और सब्जी लेके हम अपने घर पे आ गए, फिर हमने खाया खाना, तो खाना काफ़ी टेस्टी था भंडारे का ऑब्वियसली। तो इसके बाद फिर हम आए, और खाना खाने के बाद हमें फिर नींद आने लगी, फिर हम दोनों ही सो गए मैं और बिट्टू। कितनी देर तक सोए बिट्टू फिर उसके बाद, दोपहर में खाना खाने के बाद? 3-4 घंटे। हाँ फिर 5:30 पे उठे हम लोग, है ना, मैंने फिर चाय बनाई 5:30 बजे बिट्टू के लिए, अपने लिए, पर ब्रूनो ने पीने नहीं दी चाय मुझे, क्यों, घुमा के लाओ घुमा के लाओ घुमा के लाओ कर रहा था ये, फिर भाई मैं घुमाने लेके गई उसको, फिर लौट के आई तब तक हमारी भाभी जी ऊपर की, उन्होंने कहा पड़ोस की कि चलो मंदिर चलते हैं घूम के आते हैं, बिट्टू नहाने जा ही रही थी कि अचानक मैं लौट के तो बारिश आ गई, और फिर बारिश आई तो बहुत तेज़ बारिश आई, काफ़ी देर तक आई, सो उनके साथ तो प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है, अब हम हनुमान मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं, और बिट्टू से कह रहे हैं जाओ नहाओ नहा लो, अरे जाओ भाई नहाओ यार जाके, जा रही हूँ भैया, अब हो गए 10 मिनट, 10 मिनट से तो मैं वीडियो ही बना रही हूँ, तब से बोले जा रही हूँ, और कितना बोलेगा कोई यार,
और कितना बोलूं बताओ आप, निधि की दुनिया और कंचन धवन की दुनिया, ये दो दुनिया जो है कभी कभी ऐसा लगता है ये दोनों मिलके कंटेंट बनाती है, एक दूसरे की बुराई करना, ये करना, वो करना, मगर कहीं ना कहीं निधि की दुनिया का जो कंटेंट है ना वाकई में बकवास है यार, सच में। और ऐसा लगता है सबका कहना ही है कि वो कंचन धवन का पूरा कॉपी करती है। तो व्लॉगिंग में किसका कॉपी करना है यार, मेरी व्लॉगिंग मेरी है, आपकी व्लॉगिंग आपकी है, खैर अब क्या ही कह सकते हैं वो, है ना। तो जाओ भाई जाओ, देखो सुना नहीं जाता आजकल के बच्चे जो हैं अपने मॉम्स की बातें नहीं सुनते हैं, ये बड़ी दिक्कत है आजकल के बच्चों की, सच में दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो गाइज कल से ना मैं वेट लॉस का प्रोसेस शुरू करूंगी, कल से मैं 6 बजे उठूंगी, ठीक है। और 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं करूंगी साइकिलिंग, देखो दिखाती हूँ, साइकिल जो रखी है जिसपे कि अभी कपड़े टंग रहे हैं, सीरियसली ये साइकिलिंग कल से मैं करूंगी। और कल से मैं साइकिल पर पूरा आधा घंटा, सुबह 6 बजे उठूंगी, सबसे पहले मैं अपना थायराइड की गोली लूंगी, और उसके बाद थायराइड की गोली के बाद मैं धनिया का पानी पीऊंगी और फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो वही मैं बता रही थी कि साइकिल पर कपड़े टांगने के लिए नहीं लिया मैंने, मैं कल से शुरू कर दूंगी और कल से मैं सुबह उठूंगी। तो 6:30 पे मैं साइकिलिंग शुरू करूंगी, 6:30 to 7 साइकिलिंग करूंगी, सबसे पहले उठूंगी मैं थायराइड की गोली लूंगी, फिर धनिया का पानी पीऊंगी, और धनिया का पानी पीने के बाद थायराइड की एक और गोली आती ली है मैंने आयुर्वेद की, वो गोली लूंगी, और उसके बाद जब मैं साइकिलिंग कर लूंगी सो ब्रेकफास्ट से पहले मैं एक फैट कटर की गोली आती है वो भी लूंगी, क्योंकि मैं आयुर्वेद की गोली लेकर आई हूँ। और उसके बाद मैं अपनी वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करूँगी, ठीक है, और उसके बाद फिर अपना डेली रूटीन करूँगी। और अब सिर्फ प्रोटीन डाइट ही लेंगे हम और मैं, मतलब, और उसके बाद फिर मैं चीनी, तो खैर मैंने बंद कर ही रखी है काफ़ी दिनों से, लेकिन क्योंकि चीनी बंद करने से कुछ नहीं होता, आपको वर्कआउट या फिर वॉक या फिर घूमना फिरना या एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, तो वो करना है मुझे। और ये मान के चले कि 3-4 मंथ में मुझे अपना 20 kg लॉस करना है, 4 मंथ में 20 kg लॉस करने का मेरा टारगेट है, और अब इसे किसी भी कीमत पे मैं तोड़ूंगी नहीं, करके रहूंगी, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए गाइस क्या हुआ है, कल मैं गई थी मंदिर, और मंदिर जाने से 5 मिनट पहले मैं बस लाइट चली गई थी तो लाइट चली गई थी, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं हाथ धोने के लिए जैसे ही अपने सिंक पे पहुंची वॉशरूम वाले, और ये फ़ोन मेरे हाथ में था, मैंने साइड में से रखा और ये मेरे हाथ से छूट गया, तो ये ना 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब मैं क्या बताऊँ आपको ट्रेजिडी, 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ ये फ़ोन, तो ना पूरा खुल गया और ऑन ही नहीं हुआ उसके बाद। अब सबसे बड़ा डर मुझे ये लग रहा था कि मेरे फ़ोन का ना सारा डेटा जो कि मैंने ट्रिप्स किए थे अभी हिमाचल के और जिनके वीडियो मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ, वो सारा इसी में है, क्योंकि एडिटिंग करनी है उसकी और एडिटिंग में है वो सारा कंटेंट। तो मुझे ये लगा कि भगवान कहीं सब चला ना जाए। फिर मैं पहले मंदिर गई बिट्टू के साथ, और क्योंकि कल हनुमान जयंती थी तो पहले हमने मंदिर गए, वहाँ लंबी लाइन, माई गॉड मैंने इतनी लंबी लाइन देखी, क्योंकि पता था मुझे कि दोपहर में कोई गया ही नहीं होगा, कल दोपहर में बहुत गर्मी थी और शाम को ही सारे लोग, और फिर ऑफिस भी था कल, सो लंबी लाइन हमें उस लाइन में करते करते, मतलब हम पहुंच गए थे 7 बजे के करीब और हम 8:30 बजे वहाँ से निकल पाए मंदिर से दर्शन वगैरह करके। सो दर्शन करके निकले तो सबसे पहले ये लगा कि दुकान ना बंद हो जाए, फिर जैसे तैसे दुकान पर पहुँचे, मालूम चला कि उसने कहा कि इसमें 2,500 रुपये लगेंगे नॉर्मल वाले में और 5,000 रुपये लगेंगे आपके ओरिजिनल जो लगेगा, यानी कि पूरा ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना ये पूरा पैनल लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला यार 3-4 हज़ार में वो हो जाएगा कर दो, बोला नहीं 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 5,000 ही लगेंगे। सो मैंने कहा चलो ठीक है करो, तो बोला कि ठीक है करते हैं। तो फिर 8:30-9 बजे के करीब वो लड़का लेने के लिए गया, इसकी ये जो पूरी ऊपर की विंडो है ये वाइट ब्लैक कलर का, क्योंकि नीचे का एक पत्ता होता है ना वो कट गया था। फिर वो गया तो वहाँ से फ़ोन करके बताया उसने अपने मालिक को कि ओरिजिनल वाला नहीं मिल रहा है, तो जो नॉर्मल वाला है यानी 2,500 वाला वो मिल रहा है। मैंने कहा भैया लगाओ, अब 2,500 वाला लगवा तो लिया लेकिन इसका ये वर्क नहीं कर रहा है, ये देखो ये जो सेंसर होता है ना ये जो सेंसर है ये जो टच वाला ये
इसमें ये काम नहीं करेगा, मतलब ये जो 35,000 का मेरा मोबाइल था, अब समझ लो आप गया, कितना लॉस हुआ मुझे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कल कोई बड़ा हादसा हो सकता था तो शायद वो 2,500 में ही टल गया, लेकिन मोबाइल पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब मुझे नया मोबाइल लेना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा मुख्य मोबाइल तो यही था और सारे शूट मैं इसी से करती थी और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसी से करती थी। और वन प्लस मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे ख्याल से 2020 का है, हाँ आई थिंक 20 का ही है या 21 का होगा, है ना, 2021 का है ये शायद, 21 22 23 24 साढ़े तीन साल चार साल तो ये चल ही गया है। और तो अब बताओ अब मैं क्या करूँ गाइस, मेरा बहुत मूड ऑफ है, मैं बता नहीं सकती आज आपको किसी को भी कि मेरा मोबाइल बुरी तरह से यहाँ से टूट गया है। अभी तो इसमें रबड़ लगी है, अब जाऊँगी इसको क्लीन करवाऊँगी क्योंकि साइड से ना चिपका चिपका सा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है इसको देख के। लेकिन अब क्या करें, बड़ा महंगा मोबाइल अभी नहीं ले सकते क्योंकि वन प्लस लेने जाएंगे तो कम से कम 35-40 का ही आएगा, ठीक है। और बस यही था, मेरा मूड तो आज बहुत ऑफ है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और ये मेरा तकिया जो है ना गिलाफ ब्रूनो ने फाड़ दिया था, तो इसकी जो रुई है मैं दूसरे तकिए में फॉरवर्ड करके इसके अंदर डाल के गिलाफ में इस गिलाफ को मैं सिल दूँगी क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा, बहुत गंदा लग रहा है। चलो मैं जा रही हूँ अभी, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फ़िलहाल आप प्रे करो मेरे लिए और मेरा सपोर्ट करो ताकि मेरा चैनल ग्रो करे, चले और मैं कुछ मोबाइल ले पाऊँ दोबारा, और कंटेंट डालना है मुझे सबसे पहले। सो गाइस, मोबाइल की तो हालत खस्ता हो चुकी है, अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, बड़ी ट्रेजिटिक स्टोरी बन चुकी है ये। लेकिन हाँ ये है कि कल क्योंकि भगवान जी का दिन था, हनुमान जी का दिन था और हमने बहुत अच्छे से हनुमान जयंती का पूजन किया है, और आज है बुधवार तो मैं आज बुधवार की अंगूठी पहनने वाली हूँ अपनी उंगली में, लेफ्ट हैंड में पहनूंगी, लेफ्ट हैंड की फिंगर में मैं बुध की अंगूठी आज पहनने वाली हूँ। तो अभी मैं नहा धो के पूजा वूजा करूँगी और रिंग मेरी बन के आ चुकी है और उसको मैं पहनूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि अब मेरा लाइफ में थोड़ा अच्छा हो, ग्रो करे लाइफ, और थोड़ा सिंसियर रहने की ज़रूरत है मुझे। मैं टाइम फॉलो नहीं करती हूँ, सिर्फ रेडियो का करती हूँ, बाकी किसी का नहीं करती, सो ये करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।